आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आपके सामने अभी जो चल रहा है वीडियो में, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने के बाद आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को डाउनलोड कीजिए, ये PDF में अवेलेबल है और इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि ये आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है। जी हाँ, टॉपिक बहुत ख़ास है। हम लोग पिछले काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि जो रेनॉल्ट ने और डैटसन रेडिगो ने मीडिया नेविगेशन लॉन्च किया था 2019 के लास्ट में और 20 के शुरुआत में, ये जितने भी हमारे फेसलिफ्ट मॉडल आए हैं उनमें GPS इनबिल्ट नहीं है। उसमें आपको अपने फ़ोन से एंड्रॉयड ऑटो के माध्यम से या एप्पल प्ले के माध्यम से ही नेट चलाने को मिलता है। तो जो हमारा मीडिया नेविगेशन है 2.0.9.9, हम इसमें आज की इस वीडियो में GPS को एक्टिवेट करना सीखेंगे, GPS को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो बहुत ख़ास वीडियो होने वाला है दोस्तों। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके मीडिया नेविगेशन में केवल 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो हम इन 4 ऑप्शंस को कैसे इन 6 ऑप्शन में बदलेंगे और मैप और नेविगेशन इन दोनों को कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले एक 4GB की पेन ड्राइव की, जो कि फॉर्मेट होनी चाहिए। और फॉर्मेटेड पेन ड्राइव यानी कि उसके अंदर कोई भी कंटेंट ना हो, आप इंश्योर कर लें उसको फॉर्मेट कर लें। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर आपको आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ से आप अपने अकाउंट यानी quidcardsolution.in के अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सॉफ्टवेयर का जो फाइल साइज़ है वो बड़ा है, एक दो फोल्डर तो करीब 450-450 MB के हैं, सो दैट वो उनको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा और वो ZIP फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। तो उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उनको फोल्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ ड्राइव इको। और ड्राइव इको से पहले आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये हमें अभी एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम अपने मीडिया नेविगेशन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे 4 ऑप्शन आ रहे हैं और हमने फर्स्ट स्टेप का जो फाइल है, 4 फाइल हैं इसमें छोटी छोटी जो कि 0KB की हैं, वो हमने पेन ड्राइव में डाल ली थी और हमने सिस्टम में पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब पेन ड्राइव लगाने के बाद यहाँ पे नो मीडिया फाइल फाउंड का मैसेज आएगा, आप उसको ओके कर देंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम को प्रेस करेंगे। सिस्टम को प्रेस करने के बाद आप सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाएंगे और यहाँ से हमें स्क्रीन को 5 टच करना है, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 टच होने के बाद 4 अंकों की हमें पास की इसमें एंटर करनी है और एक बार ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं उन 4 की को जो हमने डाली थी, 4 नंबर को वापस बैक बटन से कैंसिल कर देना है। एक एक करके वो 4 मिट जाएंगे। अब हमें दूसरी 4 अंकों की पास की इसमें डालनी है। डालने के बाद पास की डालने के बाद हमें फिर से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही हमारी माइकॉम टेस्ट मेनू खुलेगी। माइकॉम टेस्ट को प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इको डीएक्टिवेट है, तो इको एक्टिवेट करना है हमें। एक बार प्रेस करेंगे इसको, ये लीजिए, एक बार इसको प्रेस करने के बाद ये इको एक्टिव हो गया और ऊपर कोने पे हार्ड रीसेट नाम का जो बटन है उसको एक बार हम प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो
प्रेस करने के बाद हमारा सिस्टम करीब 5-6 सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद हमारा सिस्टम दोबारा से ऑन होगा। अभी सवाल ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पास की कहाँ से आएंगी। ये पास की हम आपको पैकेज के साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में देंगे, वहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो जैसे ही ये सिस्टम ऑन होगा, आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइव इको का एक ऑप्शन बढ़ गया है, 5 ऑप्शन आ गए हैं। तो एक फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा स्टेप 2 शुरू होता है, ठीक है, उसकी हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि स्टेप 2 में क्या होना है। हमारी स्क्रीन पे GPS बटन को हमें एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें दोनों फाइल जो स्टेप 2 के फोल्डर में है, ऑटो रन _VAVN और NNG, इन दोनों को अपनी पेन ड्राइव में डाल लेना है और गाड़ी की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपने मीडिया नेविगेशन को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद उसमें हम उस पेन ड्राइव को लगाएंगे जो कि हम अपनी दोनों फाइल लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव लगा देता हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद में मैसेज आएगा, मैसेज नो मीडिया फाइल फाउंड। तो हम इसे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आई थिंक 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारा सिस्टम बंद होगा अपने आप और फिर स्टार्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही स्टार्ट हो जाए दोबारा तो सिस्टम को आप कार के इंजन को ही बंद कर दीजिए। कार के इंजन को बंद करने के बाद में 5 मिनट तक आपको कार को बंद रखना है। दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाइए, 5 मिनट के बाद आइए और अपना सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है वो जैसे ऑन होगी, तो उस स्क्रीन में हमारे GPS नेविगेशन के बटन एक्टिवेट हो चुके होंगे। और आप समझिए कि आपका जो दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम जो है सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि जो हमारी पेन ड्राइव है जो अभी हमने यूज़ की है उसमें पिछला डाटा हम फॉर्मेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम करेंगे लोडिंग ऑफ मैप। मैप को लोड करना है हमें। सो आप जो थर्ड स्टेप की फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं ऑटो रन _VAVN और NNG, इन दोनों को पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए और अपनी कार में आ जाइए। कार के इंजन को स्टार्ट कीजिए, आपका मीडिया नेविगेशन ऑन होने दीजिए, और मीडिया नेविगेशन जैसे ही ऑन होता है तो आप पेन ड्राइव को मीडिया नेविगेशन में लगा दीजिए। तो यहाँ पे अभी पेन ड्राइव लगाते हैं और पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद में आपको मैसेज दिखाई देगा कि नो मीडिया फाइल फाउंड इन USB। कोई बात नहीं, आप ओके को प्रेस कर दीजिएगा। और अब आपका जो मीडिया नेविगेशन और पेन ड्राइव है इन दोनों के अंदर फाइल का ट्रांसफ़र चालू हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट तक किसी भी सूरत में आपकी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होना चाहिए और पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करना है, ना ही मीडिया नेविगेशन को बटन से बंद करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है और 10 मिनट के बाद आपको मीडिया नेविगेशन यहाँ से इस बटन को ज़ोर से 20 सेकंड तक दबा के रखना है और बंद कर देना है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से पहले नहीं, घड़ी में देख लीजिएगा। और इसको बंद करने के बाद आप अपनी जो कार है उसको भी ऑफ कर दीजिए यहाँ से ऐसे, और की को बाहर निकाल लीजिए। की बाहर निकालने के बाद कार बंद हो जाएगी, दरवाज़ा खोलिए और बाहर निकल जाइए। 10 मिनट तक आप कार के बाहर रहिए ताकि सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, जितनी भी फाइल वगैरह हैं सेव हो जाए सिस्टम में, और अपनी 10 मिनट के बाद अपनी गाड़ी में फिर से आ पाएँ और कार के इंजन को स्टार्ट करें। अगर आपका मीडिया नेविगेशन
नहीं स्टार्ट होता है तो कोई बात नहीं, बंद दोबारा से बंद करके 10 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट करें, तो अब आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब बचा है हमारा फोर्थ स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, जिसमें हम POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अब फोर्थ स्टेप को हम इंस्टॉल करेंगे। फोर्थ स्टेप भी बिल्कुल थर्ड स्टेप की तरह है, जिसमें बिल्कुल भी बहुत चेंज नहीं है। सबसे पहले आप अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लीजिए जिसमें पुराना डाटा है, और कोई डाटा पुराना नहीं होना चाहिए, और नए या फोर्थ स्टेप के जो फोल्डर है उसकी फाइल्स को कॉपी और पेस्ट कर लीजिए। फाइल्स का नाम है ऑटो रन अंडर BAVN एंड NNG। अब अपनी गाड़ी को आप मीडिया नेविगेशन ऑन कीजिए और USB को मीडिया नेविगेशन में इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और USB लगाने के बाद में, पेन ड्राइव लगाने के बाद में आपको मैसेज दिखाई देगा कि USB में कोई डाटा नहीं है, नो मीडिया फाइल फाउंड इन USB। कोई बात नहीं, आप उसको ओके प्रेस कर दीजिए और 10 मिनट तक डाटा को ट्रांसफ़र होने दीजिए। ठीक है, 10 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगी। बैकग्राउंड में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है पेन ड्राइव से सिस्टम के अंदर, POI का जो डाटा है वो सारा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ ठीक 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाए, फोर्सफुली आप ये बटन दबा के मीडिया नेविगेशन को ऑफ कर दीजिए। मीडिया नेविगेशन जैसे ही ऑफ हो जाता है, उसके बाद आप गाड़ी को भी बंद कर दीजिए। प्रत्येक स्टेप से पहले गाड़ी को स्टार्ट करना ज़रूरी है, और अब जैसे ही कंप्लीट हुआ है तो कार की की को निकाल के आप गाड़ी से बाहर निकल जाइए दरवाज़ा खोल के, और 10 मिनट के बाद आप अपनी गाड़ी को आके स्टार्ट कीजिए। तो बाय चांस अगर आपका मीडिया नेविगेशन स्टार्ट नहीं होता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, तो वापस से गाड़ी को बंद कर दीजिए और 10 मिनट फिर से इंतज़ार कीजिए। 10 मिनट का मतलब है जो फाइल मीडिया नेविगेशन में गई है वो सेट हो रही हैं, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई हैं, तो आफ्टर 10 मिनट वो हो जाएंगी। और जैसे ही आप आफ्टर 10 मिनट गाड़ी को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका मीडिया नेविगेशन इंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो POI है वो लोडेड हो चुका है